जम्मू कश्मीर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 सपूतों ने शहादत दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 दिनों से चले 2 एनकाउंटर्स में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं, उनके साथ ही 1 जवान लापता है। सुरक्षा बलों के साथ सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि कश्मीर में पिछले 3 सालों में ये एक बड़ा आतंकी हमला साबित हुआ है जिसमें भारत देश को अपने इतने बड़े अफसरों की शहादत झेलनी पड़ी हो। आपको बता दें कि इससे पहले 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चली मुठभेड़ में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर सहित 5 अफसरों की शहादत हुई थी और उसके बाद ये एक आतंकी हमला है जो बड़ा आतंकी हमला साबित हुआ है। तो आतंकियों की ओर से जो ये दुस्साहस किए जा रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि घाटी में अभी भी आतंकवाद का सफाया होना बाकी है। कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में आर्मी और पुलिस के 3 अफसर शहीद हो गए, एक अन्य जवान लापता है। दरअसल अनंतनाग जिले के गाडोल में 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सेना और पुलिस ने मंगलवार शाम संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था। रात होने पर ऑपरेशन रोक दिया गया था। 13 सितंबर यानी बुधवार सुबह जब दोबारा तलाश शुरू की गई तो आतंकियों ने घने जंगल में घात लगाकर घेराबंदी की और हमला कर दिया। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। इसके चलते 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। मनप्रीत मोहाली के और मेजर आशीष पानीपत और भट्ट कश्मीर के बड़गांव के रहने वाले थे। लश्करे तैयबा से जुड़े प्रतिबंधित रेजिस्टेंट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अफसरों का मानना है कि वही आतंकी हैं जिनसे 4 अगस्त को कुलगाम के जंगल में मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे। कश्मीर में पिछले 3 साल में ये सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। पुलिस ने कहा है कि अनंतनाग में लश्कर के 2 आतंकी छिपे हैं जिन्हें सेना ने घेर लिया है। इनमें से एक नागम कोकरनाग का रहने वाला उज्जैन खान है। उज्जैन पिछले साल जुलाई में लश्कर से जुड़ा था। आतंकवादियों की ओर से होने वाले इस दुस्साहस ने एक बार फिर याद दिलाया कि घाटी से आतंक का सफाया अभी बाकी है जिसके लिए देश के जवान हर कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के चलते हमारे इन वीर सपूतों की शहादत हुई और सेना की 6 वर्षीय मादा लेब्राडोर भी अपने हैंडलर को बचाने के दौरान जान गंवा बैठी थी। इस शहादत के बाद पूरा देश गमगीन है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जस हिंदी।